प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के यूनिट बाय यूनिट हम आपको करा रहे हैं, समझा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें और समझते रहें। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आपसे बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप वीडियो में क्वेश्चन को जरूर समझें, नहीं तो आप आंसर या सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन आपका आए शंकु का वक्र पृष्ठ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जरा ध्यान दीजिए, इसको आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 308 को आप 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब जरा आप ध्यान दें, आर बराबर क्या है आपको निकालना है। आर बराबर आपको निकालना है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है कि हमसे ज्ञात करा रहे हैं या कुछ पूछा गया है, मतलब यहाँ पर आपका मान निकालना है। अब देखिए एल बराबर का दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो एल आपकी क्या है, तिरछी ऊंचाई है। किसकी, शंकु की तिरछी ऊंचाई। अब देखिए अपने आंसर या सोल्यूशन में जरा ध्यान दीजिए, सूत्र या फार्मूला, वक्र पृष्ठ बराबर क्या है, पाई आर एल। जरा ध्यान दें, पाई आर एल, वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है 308 बराबर पाई का मान क्या है आपका 22/7, या पाई का मान क्या होता है 22/7 या 3.14। अब जरा आप ध्यान दें, आर आपको निकालना है, एल का मान क्या है आपका 14 है। आगे देखिए आप, 7 को जब 14 से काटेंगे दो बार जाएगा, 2 की आप 22 से करेंगे 44, 44 को जब आप 308 से काटेंगे तो आपको जाएगा 7 बार। जब 308 को 44 से काटेंगे तो आपका क्या जाएगा, 7 बार जाएगा। तो आर बराबर क्या मिल गया आपको, 7 सेंटीमीटर। आप बार बार वीडियो देखते रहें, समझते रहें, वीडियो को आसान व सरल तरीके से समझाया गया। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।